दोस्तों फाइनली जो डीएलएड का जो है एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है, तो इसे हम अपना एडमिट कार्ड को किस तरह से अपना डीएलएड का डाउनलोड करना है, तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझेंगे किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एडमिट कार्ड फॉर डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपना लॉगिन पेज में आ जाना है। यहाँ से अपना लॉगिन पेज में आना है, उसके बाद यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद एप्लीकेशन नंबर वो होगा जो आप अपना ऑनलाइन कराने समय आपका जो रिसिप्ट निकला होगा उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, तो अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ पहले आपका इस तरह से, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो यहाँ से अपना इस तरह से फिल करना है, माइनस लगाकर पहले अपना डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ से अपना मंथ को लिखना है, उसके बाद यहाँ से अपना ईयर को लिखना है, पहले डेट उसके बाद मंथ इसके बाद ईयर, इस तरह से माइनस माइनस करके इस तरह से लिखना है। चलिए यहाँ से इस तरह से बताया गया है, इस तरह से लिखना है डेट मंथ ईयर, इस तरह से माइनस माइनस करके लिखना है। उसके बाद यहाँ से अपना ध्यान से अपना कैप्चा को फिल करना है। ध्यान से कैप्चा को फिल करके यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से आपका पूरा एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप करें और चाहते हैं कि ऐसे आपको अपडेट मिलती रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।